ए नोलन, कुछ दिखाई पड़ा क्या तुम्हें? नहीं, मुझे तो यहाँ पर एक भी बड़ी मछली नहीं दिख रही है। नाव किस तरफ रखना और 200 यार्ड बाई की तरफ लो और उसको खाने के लिए कुछ चारा भेजो। और जाओ रास्ते से, यहाँ पर एक गोताखोर है। पॉल, शिप को पोर्ट साइड की तरफ मोड़ो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग वहां क्या कर रहे थे, कोई बेवकूफी हो? बहुत खूब मोहतरमा, तुमने बस कुछ लाखों का नुकसान कर दिया। क्या मतलब? बिल्कुल सही सुना। जानती हो एक्वेरियम में ग्रेट व्हाइट शार्क की कितनी कीमत मिलती है? 1 फुट का 10,000। और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो कम से कम 25 फुट की थी। क्या कहती हो, 50 फुट की भी हो सकती है? नोलन, वो वापस आ रहे हैं। बोट पे आओ। पॉल, आगे बढ़ो। यहीं रुको, मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जीव है जो ये कर सकता है, एक किलर व्हेल। धरती की सबसे शक्तिशाली जीव है एक किलर व्हेल, स्तनपाई जीव जिसका खून गर्म होता है। रोमन्स इसे ऑर्का और सीनस बोलते हैं और लैटिन मौत की दूत। इसके शरीर की संरचना और मजबूत फिन इसे समुद्र की सबसे तेज वेल बनाते हैं। एक एडल्ट नर करीब 30 फीट लंबा और 6 टन के वजन का होता है, लेकिन कभी कभी इसकी लंबाई 45 फीट तक जाती है। ये जो आपके सामने किलर वेल रखी गई है, इसे पालतू बनाकर रखा गया है। इस वेल को प्रदर्शन के लिए रखा गया है। अगर प्यार से रखा जाए तो इससे बेहतर दोस्त कोई और नहीं हो सकता। इसके विपरीत ऑर्का के मुंह में 48 खतरनाक और नुकीले दांत होते हैं। और किलर वेल्स की बात कर रहे हैं तो बता दूं, ये इंसानों से बेहतर पेरेंट्स होते हैं और इंसानों की तरह ही इनमें भी बदला लेने की टेंडेंसी होती है। लेकिन इनकी सबसे खास बात इनका शांत स्वभाव या आक्रामक स्वभाव नहीं है, बल्कि इनका दिमाग है। कैन स्लाइड्स चलाओ। यहां आपके सामने है एक कुत्ते का, बंदर का, इंसान का
और एक किलर वेल का दिमाग। हमें इसकी बुद्धिमता के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये बहुत पावरफुल है और अगर कंपेयर किया जाए तो इंसानों के दिमाग से बेहतर है। इसका 4 महीने का भ्रूण इंसानों के भ्रूण जैसा दिखता है, जिसमें 2 हाथ और 10 उंगलियां दिखाई देती हैं। वेल्स बोलती हैं, कम्युनिकेट करती हैं तरह तरह के ध्वनि तरंगों और सोनार इकोलोकेशन के द्वारा। ये वेल की साउंड जो आपको सुनाई दे रही है, इसमें ऐसी वेवलेंथ है जो सिर्फ समुद्र ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कवर कर सकती है। इसे पानी के अंदर रिकॉर्ड किया गया है और कंप्यूटर पे एनालाइज किया गया है, और एनालाइज करने पर पता चला कि इसमें 15 मिलियन इन्फॉर्मेशन थी, जबकि बाइबल में सिर्फ 4 मिलियन है। ये क्या कह रही हैं? क्या उन्हें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है? इनकी सोनार एक्सरे विजन की तरह काम करते हैं। अगर हम उसमें ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि वो कब खुश हैं, कब दुखी हैं, कब शांत हैं और कब आक्रामक हैं। वो हेल्दी हैं या फिर उन्हें कोई बीमारी है। इंसानों की बोलचाल की भाषा उनके लिए मीनिंगलेस है। जिसे हम भाषा कहते हैं वो इनके लिए बेअर्थ है, बेकार है, या फिर यूं कहें बेमतलब है। एक बार मैं लेक्चर दे रही थी तो मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई, कैप्टन नोलन। वो मुझे कभी भी कॉल कर देता था और ऑर्कस के बारे में अजीब अजीब सवाल पूछता था। मुझे लगता था कि इसे इतना भी नहीं पता। मैं चौंक जाती थी कि इतना एक्सपीरियंस फिशरमैन इतनी सी बात क्यों नहीं जानता है। वो किलर वेल्स के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था और उसकी यही बात मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट करती थी। इसी वजह से मैं न्यूफाउंडलैंड में बहुत समय तक रुकी। फिशरमैन को तभी इंटरेस्ट आता है जब वो किसी को पकड़ना चाहते हैं उसे मारने के लिए। होल्डिंग पैन बनाने वाले हो क्या? जवाब भी नहीं दे रहा है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब तुम मुझसे किलर वेल्स के बारे में बहुत कुछ पूछते थे। क्या कर रहे हो? देखो, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। असल में वो खुशकिस्मत है जो वो अपनी बाकी बची जिंदगी एक्वेरियम में बिताएगा। इसके लिए तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? काफी अच्छा खासा। नोलन, तुम्हें पता है तुम्हें क्या कहेंगे? जानता हूँ, और इसीलिए मुझे कई बार बुलाया भी गया है। तुम एक जीव को बेचना चाहते हो, तुम्हारी तरह, जिसका खून गर्म है, बुद्धिमान है, एक स्तनपाई जीव जो हमारी तरह कम्युनिकेट करती है। ओह, वो कम्युनिकेट भी कर लेता है। मेरी तरफ देखो, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ? नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, एक टेंट में टेप रिकॉर्डर के साथ अकेले सोने वाली तुम्हारे जैसी लड़की नहीं देखी। क्या मैंने तुम्हें बताया कि उसका हक है स्वतंत्र रहना? नहीं बताया, पर मैं अच्छे से जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। ये बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं और स्मार्ट होते हैं, वो हमेशा चलते रहते हैं। शेर को पिंजरे में रखने से भी बदतर होगा इसे पिंजरे में रखना। मेरे सामने आप खतरे की बातें नहीं करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये मेरे लिए आम है। तुम कभी किलर वेल को नहीं पकड़ पाओगे। क्या कोई तरीका है कि मैं तुम्हें मना लूं? हाँ, एक रास्ता है, पर लगता नहीं है तुम उस पर चलना चाहोगी। अगर ये जरूरी होगा तो जरूर। अगर तुम्हें यकीन है कि मैं उसे नहीं पकड़ सकता तो फिर इतनी परेशान क्यों हो? तुम पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन उस चक्कर में बहुत सारों को मार दोगे। ओ, नहीं नहीं, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। मतलब तुम हार नहीं मानोगे? हाँ, मैं उतना भी ढीला नहीं हूँ। खासकर जब तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की ने मुझे बेवकूफ का करार दिया है तो मुझे खुद को साबित करना ही पड़ेगा। तुम्हारा काम नहीं होगा।
कितने सीसीज हार्पून्स में है? ये हम डबल यूज करते हैं क्योंकि वेल शार्क से दोगुनी होती है। नॉलन, हाँ पता है कातिल वेल्स मोनोगमस होते हैं। मोनोगमस इसका क्या मतलब है? वो मरते दम तक एक साथ रहते हैं। हम एक खुशहाल परिवार की जिंदगी खत्म कर रहे हैं। अपना काम खत्म करके तुम ऊपर आ जाना। सामने किलर व्हेल्स है। चलो इन व्हेल्स से रेस लगाई जाए। अरे बेहोशी की दवाई लाओ। ये लो इसे, तुम संभालो। वाओ मजा आ गया आज तो। इन्हें देखो तो सही, कितनी खूबसूरत है। इन्हें पकड़ने के लिए हम जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना? अपनी पोजीशन ले लो। हटो, मुझे देखने दो। ओह माय गॉड, ये हो क्या रहा है? इंसानों की तरह बर्ताव कर रहा है। शायद हम कुछ गलती कर रहे हैं। तुम्हें कैसे मालूम? एक बार उसकी आवाज तो ध्यान से सुनो। बॉल खींचो। बॉल पूरी ताकत से खींचो। वो इसी तरफ आ रही है। वो खुद को मारने की कोशिश कर रही है। इंजन बंद करो। नोवाक नीचे आओ, मेरी मदद करो। इस बौखलाई मछली को ऊपर लाना होगा। रस्सियां कस दी है। ओके पॉल, तैयार हो जाओ। जब वो तुम्हें दिखाई देगी उसे ऊपर खींच लेना। उसका खून बहुत बह रहा है। हाँ हाँ मुझे दिख रहा है। ओह माय गॉड, इसे शिप से उतारो। अरे यार ये रस्सी तो यहां पर फंस गई है। Oh,
विश्वास करो। बहा दिया, बहा दिया, तुमने उसे पानी में बहा दिया। क्या था वो? पता नहीं। चार्ट्स, पॉल रेडार चेक करो। वहां तो कुछ नहीं है। गहराई भी देख लो। 85 फुट। चार्ट भी ऐसा ही कुछ बता रहा है। और 5 मील के दायरे में कोई रीफ भी नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ बैरिंग चेक करने आएंगे? तुम्हें पता हम किससे टकराए? नहीं, क्या? हम किसी से नहीं टकराए, कोई हमसे टकराया है। नोवाक, इंजन रूम चेक करो। ये वेल अभी जिंदा है क्या? पता नहीं कैसे, पर उसकी सांसें चल रही है। तुम व्हील संभालो। नोवाक, इसे नीचे लाने में मेरी मदद करोगे? बाहर में जाए मछली, एक और झटका लगा और हमारी नाव डूब गई। हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि इसे हमें नीचे लाना होगा। चलो, पोल पर चढ़ के रोप काटनी होगी। ओके, काट दो। नोवाक, क्या आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, घबराओ मत तुम। नोवाक, हे भगवान, thank you.
ओह माय गॉड, चलो चलो यहां से निकलते हैं। या तुम जाओ, मैं आता हूं। उसे हमारी भाषा नहीं आती। एक्सीडेंट में किसी वेल को ऐसे मार देना, इससे पहले तो कभी नहीं किया तुमने। और मैं क्या करता? तो तुम मुझे पागल ठहराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ऐसे कमाल की बात यह है कि हवा और बहाव के खिलाफ जाकर ये यहां पहुंच गई। वो तैर के नहीं पहुंची, साथियों ने पहुंचाया। क्या कहा? क्या तुम्हारी बोट यहाँ नहीं थी कल रात? हाँ, वहीं पीछे। उसने पीछा किया। उसने क्या? उसने पीछा किया। ये जो भी कह रही है सच कह रही है। वो ये जानकारी किताबों से जानती है और मैं अपने पूर्वजों से। ओ, बताने के लिए शुक्रिया। वैसे आप हैं कौन? मेरा नाम जेकब ओमिलेक, यहीं पास ही के स्कूल में शिक्षक हूँ। ओह, मिलकर खुशी हुई। तो वो तुम हो जिसने ये कारनामा किया है? जी हाँ। चलिए अब मुझे जाना चाहिए। नोलन, इनकी बात सुन लो। क्या? कुछ सालों पहले मेरे पिताजी ने एक वेल को मारने की कोशिश की, पर उसे सिर्फ जख्मी कर पाए। उस वेल ने नाव को तहस नहस कर दिया और दोनों को कच्चा चबा गई। कहा जाता है कि वेल्स की याददाश्त काफी तेज होती है, और इतने सालों के गुजरने के बाद भी वो उस शख्स को याद रखते हैं जिसने उन्हें चोट पहुंचाई। हाँ, क्यों नहीं। उसने तुम्हें देख लिया है नोलन। उसने तुम्हें बोट पर बैठा देख लिया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस इलाके से काफी दूर रहता। हाँ, फिर मैं भी ऐसा ही करूंगा। तो तुम चले जाओगे? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। ईश्वर अपनी कृपा तुम पर बनाए रखे मेरे बच्चे। ईश्वर की असीम कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। आमीन आमीन। सामान अच्छा था फादर, शुक्रिया। क्या आप ये पैसा सीमेंस फंड में दे सकते हैं? किसी अनाथ के काम आ जाए। तुम्हारा शुक्रिया। वैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। पूछो। पॉल, मेरा बाहर इंतजार करोगे प्लीज? आयरिश हो ना? जी, मेरा एक्सेंट छूटता नहीं है। वैसे मैं यहाँ 16 सालों से हूँ, यहाँ पर अच्छा खासा काम भी है। मैं अपने अंकल की बोट पर मदद करने के लिए यहाँ आया था, पर वो मर गए और अब उनकी बोट का कर्ज मैं चुका रहा हूँ, और अब तो गस भी नहीं रहे। उन्हें वेल ने खा लिया। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया था, हर छोटी छोटी चीज। मैं समझ सकता हूं कि उनकी मौत का तुम्हें कितना अफसोस हुआ है। हाँ, मछुआरे अक्सर समुद्र में ही जान गंवा देते हैं। वो हमेशा कहते थे कि वो किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में मरना नहीं चाहते थे, समझ रहे हैं ना? लेकिन वो जिस तरह से मरे। अपने दिल पे ज्यादा बोझ मत डालो, जो होना था वो हो गया। जी हाँ। अच्छा फादर, अब कुछ और भी था जो मुझे आपसे पूछना है।
क्या किसी जानवर को मारना पाप होता है? आप तो घास उखाड़ कर भी एक पाप कर सकते हैं। दरअसल पाप कोई भी इंसान सिर्फ अपने प्रति ही करता है, समझ रहे हैं ना? जी फादर, थैंक यू फादर। टाई के लिए शुक्रिया। शुक्र है कि पैंट तो फिट हो गई। एक्सक्यूज मी, क्या नॉलन आपका ही नाम है ना? हाँ बोलिए। मेरा नाम एल स्वेन, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। हेलो एल, आपका इंचार्ज से क्या मतलब है? वो जो होती है ना मछुआरों की संगठना, हाँ आपकी नाव हम ले आए। ओह आप लेकर आए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो। उसकी कोई जरूरत नहीं, आपको पता है साउथ हार्बर काफी मजेदार जगह है, हर कोई एक दूसरे को जानता है। अच्छा तो तुम यहाँ पर बड़ी किलर वेल को पकड़ने आए हो? नहीं, अब नहीं। आया तो मैं उसी मकसद से था, लेकिन अब मैं वो नहीं करना चाहता। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ के लोग बड़े अंधविश्वासु हैं उस चीज को लेकर। अंधविश्वासी? मैं कुछ समझा नहीं। एक और का हमारे यहाँ की सारी मछलियों को दूर भगाता है, हमारे पेट का सवाल है, तुम कुछ समझे? ये मेरे लिए है। शुक्रिया। व्हेल्स और डॉल्फिन्स साइंस और मिथोलॉजी में दुनिया की सबसे कम जानी हुई इंटेलिजेंस का जश्न लगता है मेरे ऊपर है ये। इसमें लिखा है हरमन मेलविन अगर धरती पर वापस आते हैं तो वो एक वेल बन के वापस आएंगे। क्या बात है, इस पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते हैं। माफ करना मैं हंस रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रहा, मुझे बस इस सब की आदत नहीं है और कुछ नहीं। बस बुक के लिए शुक्रिया। यू आर वेलकम। एक बार हम इस वेल को दफना दें तो फिर अगर तुम चाहो तो हम साथ में ड्रिंक कर सकते हैं। थैंक्स नॉलन। मैं क्या कह रहा था? बोलिए। काफी जल्दबाजी में हो उस वेल को दफनाने के लिए। अच्छा,
ऐसा लग रहा है क्या? मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबर है। पोर्टयार्ड के लोगों ने एक फैसला किया है कि वो सुबह सबसे पहले तुम्हारी नाव को ठीक कर देंगे। वो ऐसी बात पे पीना चाहोगे? तुम इतनी दूर मुझे ये बताने के लिए आए, कोई और वजह तो नहीं है? हमें लगा कि तुम्हें बताना जरूरी होगा। ओ वाओ, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे सच कहूं तो मुझे यहाँ साउथ हार्बर से जाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम उस व्हेल को मार कर ही मानोगे? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि मेरी बोट को थोड़ी मरम्मत की जरूरत है और मेरा क्रू बीमार है। इसका व्हेल से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? पहले वो दो नाव डूब गए और अब वो सारी मछलियां गायब हो गई हैं, और ये सब तुम्हारी उस व्हेल की वजह से। मेरी व्हेल की वजह से? उस व्हेल की बात करना बंद करोगे तुम, क्योंकि मैं उसके बारे में भूल चुका हूँ, और अच्छा होगा तुम भी उसके बारे में भूल जाओ क्योंकि वो नहीं लौटेगी। कुछ देर पहले एक बच्चे ने उस व्हेल की पूंछ देखी है, जिस पूंछ पर घाव था। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। नॉर्थ पॉइंट की तरफ मत जाना नॉलन। पर मैं क्यों जाऊंगा? तुम बस मत जाना। पर मैंने पूछा है, मैं क्यों जाऊंगा? क्या जरूरत पड़ेगी जाने की? वैसे रात में मिलते हैं। हाँ नहीं मिलोगे। आज का दिन बड़ा सुहाना है। कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ। हमने कोस्ट गार्ड को भी फोन किया, कनेडियन मछुआरों के बोर्ड को भी हमने फोन करने की कोशिश की, यूएस मरीन मैमल कमीशन को भी हमने फोन किया, लेकिन सभी ने कहा कि इस जानवर के बारे में वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि उनके पास इसके लिए कोई समय नहीं है। और आपको पता है कि मैं श्योर हूँ कि नॉलेंस के पास भी इसके लिए समय नहीं है। पृथ्वी पे जानवरों की बहुत अहमियत है। आपको कुछ चाहिए? और हम इंसानों को ही जानवरों के लिए। वो जो लोग देख रहे हो वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं और गुस्से में हैं। हाँ जानता हूँ। वो कह रहे कि तुम एक डरपोक हो क्योंकि तुमने व्हेल को मारकर घर में छिप कर बैठे हो। मैंने जानबूझ के नहीं किया। मुझे तुम पर भरोसा है। सच में? पर क्यों? डर तुम्हारे शक्ल पर मंडरा रहा है।
किसी जिंदा शख्स का नहीं पर कोई आत्मा का, ऐसा मुझे लगता है। शायद मैं बस तुम्हें यहां चेतावनी देने आया हूं कि चाहे जो हो तुम इस वेल को मार दो। अगर इस शहर को और तबाह करने की कोशिश की तुम्हारे वेल ने, वैसे वार्निंग के लिए शुक्रिया। मुझे पता है मेरे पूर्वज क्या करते। क्या? उनके पास एक तकनीक थी, बाहर से वेल की चमड़ी और अंदर से पंछियों के पुर्जे, और उस पर पेशाब करके समंदर में फेंक देते थे। अगर सब कुछ सही रहा तो बुरी आत्मा उसके मुंह से निकलकर वो मर जाएगा। फिर तो आपको ऐसा मेरे लिए भी ट्राई करवाना चाहिए। दुनिया बदल गई है मेरे दोस्त, आजकल हमारे भगवान भी नए गानों पर थिरकते हैं। शुक्रिया दोस्त। चला गया वो येरा, वो इंसानों की तरह कम्युनिकेट करते हैं। उसने भी कुछ ऐसा ही कहा था शायद। अच्छा पॉल, मैं अभी बुक ऑफ वेल्स पढ़ रहा था तो उसमें ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, खासकर उसका सिर। ऐसी क्या खास बात है? और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं बस जानना चाहती थी तुम मेरे कैंपिंग गियर लेकर क्यों आए हो। छोड़ो, नहीं समझोगी, जाओ। तुम्हें लगता है ये स्केयरक्रो उसे तुमसे दूर रख पाएगा? वो उससे ज्यादा समझदार है, मैं चाहता हूँ वो यहाँ आए। तुम उसे वापस बुलाना चाहते हो? कल रात की तरह। मैं तुमसे ज्यादा बेवकूफ आदमी से आज तक नहीं मिली। इतनी बुक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। तुम क्या करोगे उसे? हिप्नोटाइज करने वाले हो? नहीं, लेकिन वैसा ही कुछ। मैं उसे यहाँ पर शूट करने के लिए आया था। बैंग बैंग, उसकी हर आंख में एक गोली। लेकिन फिर मैंने खुद को उसकी जगह पर रखा तो मुझे लगा कि वो नहीं आएगा। पर क्यों? तुम्हें क्या लगता है उसने दूसरों की बोट्स क्यों डुबा दी? हाँ, ये बात मुझे समझ ही नहीं आ रही है। उसने तुम्हारी बोट जानबूझकर छोड़ दी क्योंकि वो तुमसे लड़ना चाहता है। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे नहीं लड़ना, बल्कि मैं समुद्र में ही नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम उसे मारना चाहते हो यहाँ पर खड़े होकर, आंख का निशाना लगाकर। तुम एक इंसान नहीं हो, तुम एक जानवर हो। साइंस को तुम्हारे ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। तुम अपनी एक्साइटमेंट के लिए कहीं और क्यों नहीं चले जाते? एक्साइटमेंट? तुम्हें लगता है मैं इसीलिए यहां पर हूं? उस वेल के बारे में तुमसे ज्यादा तो मैं सोच रहा हूं। वो भी गन के साथ। ये गन मैं उसे शूट करने के लिए लाया हूं, ये बात सच है। पर फिर मुझे समझ में आया कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। फिर मेरे मन में ख्याल आया और सोचा कि अगर तुम्हारी बात सच है कि वेल्स कम्युनिकेट कर सकती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी तरफ देखूंगा, उसकी आंखों में, और कहूंगा कि उसकी बीवी और उसके बच्चे का मरना एक हादसा था और मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं। पता नहीं वो करेगा या नहीं।
मैं समझ सकता हूँ उस वेल को कैसा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था और एक पिए हुए ड्राइवर ने हमें ठोकर मार दी, जिसकी वजह से मेरा बच्चा और मेरी बीवी दोनों मारे गए। यह भी सही लग रहा है, इसे पानी में उतार दो। हेलो, पूरा शहर तुम्हारी नाव को ठीक करने के लिए रात भर काम करता रहा। हाँ? सुबह 6:15 बजे वो नाव समुद्र में जाने के लिए तैयार हो जाए। आपको आना? शाम तक नहीं टिक पाओगे, उस लड़की की टूटी हुई टांग के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। स्वयं तुम ही हो ना? एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ, मान लोगे तो बेहतर होगा तुम्हारे। अब तो जाना ही पड़ेगा। पॉल, हाँ सुनो, जल्दी आओ। तुम जा रहे हो? हाँ। तो नाव का क्या होगा? तुम उसकी फिक्र मत करो। अरे यार, यहीं पर तो रखा हुआ था, कहाँ चला? पर अब हुआ क्या है? बाद में समझाऊंगा। तुम्हारे पास पैसे हैं? नहीं शायद। ये लो और बोट की टंकी फुल करवा देना। मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगा। क्या? कि मुझे एक मछली ने शहर से भगा दिया। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर मैं उनकी जगह होता तब भी मेरा ये ख्याल बदलता नहीं। हेलो। हेलो रेचल, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। किसके पीछे? कितने बज रहे हैं अभी?
अरे वही, याद नहीं, वो वेल। तुम जाग रहे हो? हाँ मैं जाग रही हूँ। सॉरी, मैं जाने से पहले तुमसे बात करना चाह रहा था। गांव वाले वही चाहते हैं जो वेल चाहती है। वेल चाहती है? हाँ वही जो वेल चाहती है। नोलन, मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि मुझे नहीं पता वो वेल क्या चाहती है, तुम्हें भी नहीं पता कि वो क्या चाहती है, और गांव वालों को भी नहीं पता कि वो क्या चाहती है। और अगर इंसानों की तरह वो कुछ चाहती है तो ये जरूरी नहीं हो जाता कि वो जो चाहे उसे मिल जाए। देखो, तुमने भी कहा था कि... भूल जाओ मैंने जो कहा। मुझे लगा था कि तुम एक इनसेंसिटिव आदमी हो जो वेल को पकड़ना चाहता है, लेकिन तुम तो सेंसिटिव हो। लगता है मेरी तारीफ कर रही हो। जो समझना है समझो। ठीक है, तारीफ ही समझ लेता हूँ। मिलते हैं फिर कभी, मैं सुबह निकल रहा हूँ। नोलन, फोन काटने की जरूरत नहीं है। अरे पर क्या हुआ? अब एक बात बताओ, पॉल का क्या हुआ? एनी का लेग कैसा है? वो लोग ठीक नहीं है, तो मुझे लगा एक आखिरी बार तुमसे बात कर लूं। इसका मतलब तुम अकेले जाओगे? अगर मैं नहीं गया तो पता नहीं पॉल और एनी के साथ क्या होगा। वैसे भी उस जीव को केवल मेरा ही इंतजार है। नोलन, तुम पागल हो गए हो। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। अच्छा एक बात बताओ, कोई इंसान अगर दुख में डूब जाए तो तुम कुछ भी करोगे क्या? नहीं। तो फिर तुम उसे खुद से बचाने की कोशिश करोगे ना? हाँ। और नोलन, किसकी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, गांव वालों की या उस जानवर की? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं जाता। तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। सुबह मुझे कॉल करना। ठीक है, करूंगा कॉल। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, गुड नाइट। नोलन, क्या तुम भी बाहर जा रहे हो? बस गैराज में कुछ गियर पैक करने के लिए जा रहा था। मुझे भी साथ में ले चलो प्लीज। क्या बात है, बोलो क्या हो गया तुम्हें? कम ऑन, बता भी दो, बताओ। अच्छा एक काम करो, यहाँ आओ और बैठ जाओ जरा, अपने पैर को आराम दो, नहीं तो हम सफर पे कैसे जा पाएंगे। ये बात बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, गाड़ी में पेट्रोल भर दो, तब तक मैं हवा चेक कर लेता हूँ। हवा खत्म हो गई है? हवा नहीं है, हवा, गैस, तेल सब खत्म हो गया। किसे झूठ बोल रहे हो, मैंने अभी देखा तुम्हें उस गाड़ी में गैस भरते हुए। अगर तुम बस स्टेशन जाओगे तो वहां भी तुम्हें टिकट नहीं मिलने वाली। पर बात क्या है? नोलान से कह दो कि दिलो दिमाग से काम लेकर सच्चाई को अपना ले। अब बस एक ही रास्ता है, समुद्री रास्ता। पर वेल तो वहां नहीं है, वो चली गई है। वो नहीं चली गई है, वो समुद्री गुफा में छिपी हुई है। शैतान का संदेश साफ है, इस गांव में अमन और शांति के लिए हमें नोलन को उसके पास भेजना होगा। ओह, ये पूरा शहर पागल हो गया है। प्लीज अपने कैप्टन से कह दो मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, मैं नाव में उसका साथी बनकर जा सकता हूं, मैं उसकी मदद कर सकता हूं, मेरे साथ या मेरे बगैर। लड़ने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है।
हाँ क्या हुआ? कुछ हुआ तो नहीं? मैं हिल नहीं पा रही हूँ। पॉल, दरवाजे के पास वाला लैंप लाओ और उसकी रोशनी यानी पर डालो। मुझे नहीं हो रहा है। इसे पकड़ लो, मुझे सहारा दो। खींचो खींचो, बहुत बढ़िया। बदला लेने के लिए तुम इस हद तक बढ़ गए, तुम जीते। तुम लड़ना चाहते हो? मैं लड़ूंगा, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, तुमसे मुकाबला करूंगा। आज सारा बदला निकाल के रहूंगा मैं तुम्हारा। तुम जीते, सुना तुमने? तुम जीत गए। को नहीं बचा पाया, पूरे गांव और औरका ने वो देखा। मैंने जिद भी की उसके साथ जाने की। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं इन सब की जिम्मेदार हूं। शायद मैंने ही उसके दिमाग में वेल को लेकर बहुत सारी रोमांचित कर देने वाली बातें भर दी थीं। ऐसा मुझे लगता है, लेकिन वहां जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरे विश्वास से परे था। उस वेल ने जो कुछ भी किया वो मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे लगा कि मुझे एक नया तरीका मिला कि मैं उसके बारे में जान सकूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि किलर वेल बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होती है, लेकिन उसके अंदर एक भावना बहुत ही ज्यादा भरी हुई होती है और वो है उसका बदला लेने का स्वभाव। इससे मुझे ये बात भी समझ में आई कि औरका अपने दुख में इतना ज्यादा डूब गई थी कि कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल था। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे नॉलन को बचाऊं। नॉलन को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, और मुझे इसी बात का डर था। वो हमें ठीक वहीं लेकर गया जहां पर उसने उस फीमेल वेल को मारा था। नॉलन को पता था कि वो उसका बदला लेने जरूर आएगा, और फिर वो उसके पीछे। मेरी बात सुनिए,
मुझे लगता है हमें किसी को ऊपर देखने के लिए भेजना चाहिए। वो तैयार नहीं है, अभी नहीं। ये तुम्हारी गन है, इसकी ऑयलिंग करो। इसकी बैरल को ऑयलिंग की जरूरत है। मैं वेल के ऊपर गोली नहीं चलाती। अगर उसने मुझ पे हमला किया तो तुम्हें शूट करना पड़ेगा। सेल्फ डिफेंस कहते हैं इसे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आएगा? हो सकता है और नहीं भी, लेकिन हम तैयार रहेंगे। वही है। लगता है आने से पहले उसने तुम्हें बता दिया था। नहीं, मैं किस तरफ घुमाऊं? वही तो, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बाहर जाकर देखता हूं, अगर वो ऊपर आ जाए तो। वो गन लेके कहां जा रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? वो मुझसे लड़ना चाहता है। वो गन वापस रखो। यही स्पीड रखो, सिर्फ गहराई नापने के लिए रुकना। तुम डायनामाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ तो मैं क्या करूं, पानी में कूद जाऊं और उसके खुद को निकलने का इंतजार करूं? ये मत करो, मत करो ऐसा। सरेंडर करो। हे भगवान, वो आ गया। आखिर जा क्या रहा है? ये चाहता है मैं इसके पीछे जाए। युमलाक, दिशा बदलनी होगी। साबोट साइड। ठीक तो? हाँ मैं ठीक हूं। तो मैं चिल्लाऊं या तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, समझ नहीं आ रहा। पर ठीक है, जो भी हुआ।
वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब वो मैं हूं और वो मैं बन चुका है। अब से मैं ही उसका ड्रंक ड्राइवर हूं, कुछ ऐसा। तुम्हें नहीं लगता अब हमें वापस चलना चाहिए? अब बहुत देर हो चुकी है। पॉल थक गया होगा, मैं जाती हूं। ठीक है पॉल, मैं देखती हूं। मैं उसे देखता नहीं तो शायद यकीन भी नहीं कर पाता, लेकिन वो हमें गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस की खाड़ियों में पिरो देता, जैसे उसके पास रेडार था। सोनर, एक्चुअली क्या नोलन ने तुम्हें बताया केन के साथ क्या हुआ? मुझे नहीं पता। अगर वो ऐसा करता तो शायद हम पोर्ट पर वापस जा चुके होते। तुम भी उस नोलान की तरह पागल होते जा रही हो रेचल। जाके आराम करो पॉल, जागते हुए सपने मत देखो। समझ गया। किस बिना पर? स्ट्रेट ऑफ बेल आयल, ये वहीं जा रहा है। हमें गल्फ से दूर कोस्ट ऑफ लैब्राडोर ले जा रहा है। मैं महसूस कर सकता हूं कि इस बार आखिरी सामना होने जा रहा है और अब हम बच भी नहीं पाएंगे। बर्फ की ताकत को तुम नहीं जानते, बर्फ ऐसी नावों को तहस नहस कर देगा। सिर्फ बोट को ही नहीं, हर चीज को। और बर्फ को तोड़े बिना वो सांस नहीं ले पाएगा, उसे ऊपर आना ही पड़ेगा। ये वेल उतना स्मार्ट नहीं है जितना मैंने सोचा था। सुनो तुम बेहुदा मछली, यहाँ आकर मुकाबला करो। अरे अरे थोड़ा आराम से, इतना गुस्सा मत करो। वो तुम्हें गुस्सा ही तो दिलाना चाहता है। वो अपने शिकार का पीछा करना पसंद करता है करीब एक या दो हफ्ते तक हमले से पहले। ये देखो, पढ़ो पेज 77। वो चाहता है हम अपना आपा खो दें। वो पहले ही तुम्हें पूरा पागल कर चुकी है। मैंने अभी फ्यूल चेक किया और अंदाजा लगाया कि हम शायद ही वापस पहुंच पाए। हाँ बस अभी थोड़ी देर में एक गैसोलीन स्टेशन आएगा तो हम उससे भर लेंगे। भगवान, तुम और बेवकूफी मत करो, घर जाने के लिए हमारे पास फ्यूल नहीं है। देखो अभी वो सी हॉर्स पॉइंट से नॉर्थ वेस्ट में एक रेडार स्टेशन है, सही वक्त आने पर तुम एक SOS भेज सकते हो। वो हेलीकॉप्टर भेजेंगे तुम्हें बचाने के लिए। हमें उतार देंगे और तुम्हारा क्या होगा? मैं
जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी, शांति भी बढ़ रही थी। पूरा क्रियू और नोलन भी, सब कुछ। ठंड इतनी बर्फीली थी कि कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। और का उत्तर की तरफ जा रही थी और हम उसके पीछे जा रहे थे। ना हमने केन की मौत के बारे में कुछ कहा और ना ही अपने प्लान के बारे में। सिर्फ ये पता था कि नोलन ओर्का के पीछे जाना चाहता है और कुछ नहीं। फ्यूल भी बहुत कम था। नोलन ना तो लड़ने के बारे में सोच रहा था और ना ही भागने के बारे में। वो जीव आगे था और नोलन उसके पीछे। हम ये सब कुछ क्यों कर रहे थे इसके बारे में सिर्फ ओर्का को पता था। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं ये लाइफ बोट निकाल कर उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस लाइफ बोट से बचने का बहुत कम चांस है। तो हमें वो करना होगा। तुम ऊपर जाओ और आसपास लाइट डालो और मुझे रास्ता दिखाओ। तुम इस वक्त भी मजाक कर रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मुझे रास्ता दिखाने से इनकार कर रहे हो? नोलन, थक गए हो तुम, थोड़ा आराम कर लो, मैं उससे बात करता हूँ। मुझे लगता है नोलन सही था। किस बारे में सही था वो? ये नाव अंदरूनी इलाके में ज्यादा महफूज है। अब गधे की रेस में घोड़े भी दौड़ने लगे। आओ, थोड़ा आराम कर लो। क्या तुम्हें याद है? कुछ वक्त पहले तुमने मुझसे पूछा था कि वेल की मुझे कितनी कीमत मिलती है, ऐसा ही कुछ। उस वक्त बस मुझे पैसा चाहिए था अपनी बोट का लोन चुकाने के लिए, ताकि अपने घर लौट सकूं। अमेरिका मुझे जमा ही नहीं। अब देखो मैंने क्या कर दिया, क्या हो गया मुझसे। 3 लोग मर चुके हैं, उनमें एक नौजवान मासूम लड़की भी थी। अरे बाप रे। कल वो दिन होगा
उसे अपने परिवार से इतना प्यार था जितना मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह एक करीबी मुकाबला होगा दो लोगों के बीच। अब ये नाव मैं चलाऊंगा। हम वापस घर जा रहे हैं अभी। नोलन, हमारे सामने एक आइसबर्ग आ रहा है। वो करंट के अगेंस्ट तैरते हुए आ रहा है। ओमेलाक, इंजन चालू करो। मेरे लिए हार्पून ले आओ। वो सांस लेने के लिए ऊपर आएगा। जाओ जाओ ले आओ। SOS, SOS, सारे सिग्नल्स को ऑटोमेटिक कर दो। शुक्रिया। अब तुम पीछे हो जाओ। ये लो, कैच।
And I weep with you, rainbows for your eyes, rainbows for your eyes, my love, we are one, we are one, we are one, cried my love. Let me lead you where moonlit waters fall, shadows softly call, my love, we are one, we
we